नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर नोटबंदी के मामले पर सच को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग किसी भी सूरत में ईमानदारी के रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारों के आशीर्वाद से वह इस जंग को जरूर जीतेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलने को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और वह भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता का इस तरह रोना धोना करना और इस तरह जनता को बरगलाने की कोशिश करना थोड़ा भी शोभा नहीं देता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि राजनाथ सिंह जी, पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप और आपके बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं? गौरतलब है कि गृह मंत्री ने कठुआ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान वर्दा के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। राहत के लिए एनडीआरएफ की कुल 13 टीमें भेजी गई हैं। वर्दा के कारण तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित इलाकों चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अचानक पाक खुफिया एजेंसी के प्रमुख को पद से हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने सेना के शीर्ष पदों पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का महानिदेशक भी नियुक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार पर चीन से कई रियायत नहीं मिलने की स्थिति में वन चाइना नीति की निरंतरता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि एक कम्युनिस्ट देश उन पर हुक्म नहीं चला सकता। दक्षिणी नाइजीरिया में एक चर्च की छत गिरने से कम 160 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के समय चर्च में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। हादसे में मारे गए लोगों की संख्या भी और बढ़ने की आशंका है। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर के साथ हुई है। सेंसेक्स 100 अंकों की कमजोरी के साथ 26,646 के स्तर पर और निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 8,223 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह चोट की फांस में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि शमी और शाह चेन्नई में होने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में भी दोनों खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर बनी फिल्म मोदी का गांव प्रदर्शन को तैयार है। फिल्म में मोदी की भूमिका उनके प्रतिरूप कहे जाने वाले विकास महांते ने निभाई है। निर्देशन तुषार कुमार गोयल ने किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें mstv.in। नमस्कार।